Hi, welcome to my channel. This video will solve current question number 12. Find the side of a cube whose volume is 24,389 upon 216 meter cube. So, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको find करना है side of a cube. Suppose कर लेंगे solution. Let the side of the cube be a. यहां मान लेते हम a, okay? तो ध्यान दीजिएगा यदि a मानते हैं आप side, तो इसका volume निकाल सकते हैं आप यदि side पता है तो. Side means age, okay? Age. So volume of the cube is equal to, दिया हुआ यहाँ पर, इसको हम volume को लिख लेते हैं पहले, 24,389 whole upon 216 meter cube. Okay, तो volume of the cube की जो value है वो आपको पता है कितना होगा, a cube होगा, a to the power 3, क्योंकि जो भी age होता है उसका cube कर लेते हैं, वही volume होता है, is equal to 24,389 whole upon 216 meter cube. अब करना क्या है, यहां पर आपको cube root निकालना होगा both sides में. Taking cube root on both sides, we get cube root on a cube. देखिए जब भी आपको a निकालना हो और यहाँ पर क्यूब दिया है और यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया होता है तो आपको क्यूब रूट ही लेना पड़ता है. क्यूब रूट लेंगे तभी यहाँ पर 3 कैंसिल होगा, ठीक है, क्योंकि होल पावर में 1/3 आएगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ भी लेना पड़ेगा आपको क्यूब रूट ऑफ 24,389 होल अपॉन 216 मीटर क्यूब. ओके, सो अब करना क्या है कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको केवल मिलेगा बाहर a, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो इसको न्यूमरेटर में अलग अलग लगा देंगे, आपको क्यूब रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा 24,389 होल अपान, क्यूब रूट यहाँ ले सकते हैं 216 का, फिर ये मीटर क्यूब जो है बाहर निकलेगा तो मीटर केवल बचेगा. अब यहां पर अलग अलग जो है क्यूब रूट आपको लेना है तो हम यूज करेंगे यहां पर ऊपर वाले को निकालते समय यूनिट डिजिट मेथड का, ठीक है. तो यूनिट डिजिट मेथड कैसे यूज करेंगे आप जानते हैं कि सबसे पहले आप चेक करते हैं कि यहां पर यूनिट डिजिट क्या है. तो 9 है आपका, तो यदि 9 है तो हम जानते हैं कि 0 से यदि 9 के बीच में या फिर इसको भी लेकर के, इन दोनों को भी लेकर के यदि क्यूब करते हैं आप, तो केवल एक ही ऐसा डिजिट होगा जिसमें 9 आएगा यूनिट्स प्लेस पर. देखिए यहाँ पर यदि सबसे करते जाएंगे और 9 का भी क्यूब निकालेंगे तो मिलेगा आपको 729, और यदि 8 का निकालते हैं क्यूब तो मिलता है आपको 512. देखिए आपके यूनिट्स प्लेस पर मिलेगा आपको 9 केवल 9 में ही, ठीक है. देखिए यहाँ पर 9 मिल रहा है तो यहाँ पर 9 है, इसलिए हम क्या करेंगे 0 से 9 क्यूब में देखेंगे किसका 9 मिल रहा है, तो इसमें मिल रहा आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो नंबर 9 है इसी को यहाँ पर लिख देंगे, मीन्स इसका जो क्यूब रूट होगा उसके यूनिट्स प्लेस पर 9 आएगा. उसके बाद इसके जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे इधर वाले, उसको फाइंड करने के लिए हम इस नंबर में राइट साइड से 3 नंबर्स का ट्रिपलेट बनाएंगे और उसको कैंसिल आउट कर देंगे, और जो बचा हुआ नंबर 24 है हम चेक करेंगे 24 जो है किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है. तो 24 एक्चुअली ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ले सकते हैं यहाँ पर, ये होगा 27, ओके सॉरी 20 सॉरी यहाँ पर 8 कर लेते हैं, 8 बट लेस देन 27, है कि नहीं. 8 और 27 के बीच में है 24, मीन्स 2 क्यूब एंड 3 क्यूब के बीच में है ना, 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में ये 24 लाई करता है, इसलिए हम कहेंगे इसके जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे वो होगा केवल 2, ठीक है. जो छोटा वाला नंबर होता है उसके जो बेस होता है वही रख देते हैं यहाँ पर, मीन्स 29 इज योर क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर होल अपान, इसका तो जानते हैं 6 आएगा तो 29 अपॉन 6 मीटर. सो दिस इज योर एज,
दिस इज योर आंसर. ओके तो लिख सकते हैं आप, हैंस द साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 29/6. इसको आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में निकलेगा. यदि आप निकालना चाहते हैं डेसिमल में तो डेसिमल में निकाल सकते हैं. ओके तो यदि आपको अच्छा लगा, सॉल्यूशन समझ में आ गया, तो एक लाइक कर सकते हैं आप, अपने दोस्तों को बता सकते हैं. ओके और शेयर कर सकते हैं, जितना चाहें आप उतना शेयर कर सकते हैं. ओके कोई भी डाउट यदि होता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बिल्कुल आप. ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय.